दौड़ के भागा रे हेड टच किया उसको और चौड़े राम ने अपने टीम के लिए एक नंबर और बढ़ा। चौड़े राम की टीम बढ़त बढ़ाते हुए आपके सामने थोड़ा सा आगे चल रही है। झंडे का नाप तोल पूरा हुआ सही अपनी जगह पर चारों झंडे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे पकड़ बहुत अच्छे पकड़ ये देखो फिर भी के खाते में एक नंबर बढ़ाया उन्होंने टीम के लिए एक नंबर लिया। चौड़ेरा की टीम आगे को कबड्डी देते हुए आपके सामने अभी कोशिश करते हुए चौड़ेरा की टीम बढ़त बनाए हुए ये किया झंडे को पैर से टच किया और इसका नंबर रहेगा चौड़ेरा की टीम के लिए एक नंबर। रेफरी का इशारा एक नंबर चौड़ेरा की टीम में क्योंकि प्लेयर ने पैर से झंडी को छू लिया था। हेमंतपुर नगलिया कबड्डी देते हुए कोशिश करते हुए एक एक नंबर बहुत ही कीमती है। जहां विजय हार होती है तो एक नंबर से ही विजय हार हो जाती है। एक नंबर की बहुत ही बड़ी महत्व है बहुत ही बड़ा महत्व है एक एक नंबर का। कोशिश करते हुए हेमंतपुर नगलिया फिर भी उन्होंने छाते को टच किया और एक नंबर ले लिया। हेमंतपुर नगलिया ने अपने खाते में एक नंबर और जोड़ा। चौड़ेरा कबड्डी देते हुए वो ही है वो जो खेल रेड करते हुए गिरिराज का छोटा हेमंतपुर नगलिया कबड्डी देते हुए लास्ट कबड्डी देते हुए कोशिश करते हुए कि लास्ट क्षण में भी एक नंबर प्राप्त करें अपनी टीम के लिए वही बहुत बड़ा योगदान है। बहुत अच्छा पकड़ा उन्होंने बहुत अच्छा पकड़ा लेकिन प्रयास किया फील्ड से बाहर कितना अच्छा रोमांचक कबड्डी मारी लेकिन फील्ड से बाहर कबड्डी चौड़ेरा की तरफ से अंतिम कबड्डी कोशिश करते हुए कि हम एक नंबर अपनी तरफ बढ़ाए और ये टच किया पैर से टच किया और रेफरी का सारा एक नंबर प्लेयर कोई भी खिलाड़ी दूसरे को जानबूझ के चोट पहुंचाने की कोशिश ना करें इससे दूसरे को चोट पहुंचेगी और खुद को भी बदनामी उठानी पड़ेगी कि ये चीटिंग कर रहा है। बहुत ही रोमांचक चौड़ेरा की टीम कबड्डी देते हुए कोशिश करते हुए अपने टीम में एक एक नंबर आगे की जुटाए और एक एक नंबर से ही स्कोर खड़ा होता है। चौड़ेरा का स्कोर रहा 8 और हेमंतपुर नगलिया का 4। बहुत अच्छा बहुत अच्छी पकड़ हुई टच की और बहुत अच्छी जंप मारे भी दूर रह गए। बहुत अच्छी गेम प्लेयर आगे भी भागता पीछे से दूसरे पकड़ने की कोशिश करते हैं ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। पकड़ा और उसने छाती से टच किया और हेमंतपुर नगलिया ने अपनी टीम के लिए एक नंबर जुटाया। बहुत अच्छा पकड़ा ये होती है बहुत ही मजबूत पकड़ और इन्होंने एक नंबर अपने रतनपुर का लड़का है एक नंबर अपनी टीम के लिए बढ़ाया हेमंतपुर नगलिया ने। हेमंतपुर नगलिया कबड्डी देते हुए आपके सामने बहुत ही रोमांचक दृश्य कांटे का दृश्य हुए फाइनल की तरफ जाते हुए हर कोशिश कच्ची पकड़ और हेमंतपुर नगलिया ने अपने खाते में एक नंबर और जोड़ा। चौड़ेरा की टीम कबड्डी देते हुए आगे को
यहाँ फुर्ती बहुत है, चारों राने एक नंबर अपने खाते में जोड़ा, हवा में उड़ते हुए भी बहुत अच्छा खिलाड़ी। ऐसे खिलाड़ी कभी कभी देखने को मिलते हैं। रेफरी का इशारा, इंची टेप लेके फीता लेके बंटी आए हमारे कोई अपना खेलता हूँ, कम खेलता हूँ, कोशिश करते हुए जो पहले राउंड में पीछे रह गई थी, कोशिश कर रहे हैं कि पहले राउंड के फर्क जो कमी थी इस बार पूरी करें, कोशिश करते हैं। ये उन्होंने बहुत अच्छा आगे कर देते हुए कबड्डी देते हुए बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं, एक नंबर जुटाने की बहुत अच्छा अपनी लंबी लंबी दूरी से कोई टच नहीं ठंडी से। अभी रेफरी देखो, रेफरी देखो ठंडी से रेफरी से आग्रह करना कि दो भी गोल लें, एकदम ठीक के पूरा पक्का ही अपने ऊपर विश्वास करके तब आगे कर। रेफरी का निर्णय, रेफरी मेरे विचार से थोड़ा दूर है, इतना दूर नहीं, बहुत अच्छा, कितना अच्छा है बच्चे ने, कितना चढ़ेरा, ये चढ़ेरा की टीम ने जंप लेके एक नंबर अपनी तरफ किया और बहुत ही अच्छा खिलाड़ी हवा में उछलते हुए, हवा में उछल उछल के कोच बोल के अपने टीम के लिए नंबर एक एक नंबर जुटा रहे, बहुत अच्छे ऐसे खिलाड़ी कभी कभी ही मिलते हैं देखने के लिए। ये बहुत अच्छी रही लेकिन फिर भी थोड़ा सा आसमान रहा और है निगलिया ने अपने बहुत बड़ा बढ़ाते हुए अपने खाते में इन्होंने 5 अंक का स्कोर खड़ा किया है और चौड़ेरा की टीम हैबतपुर निगलिया बहुत ही कोशिश करते हैं। ये हैबतपुर निगलिया ने फिर एक नंबर अपनी टीम में जुटाने की कोशिश की, एक नंबर और हैबतपुर निगलिया ने, हैबतपुर निगलिया का स्कोर है कूड़े का काम के ना है राजू मुनि फौजी को 3 मिनट का रेफरी का इशारा, 3 मिनट अभी तो बाकी है, 3 मिनट का खेल है, बहुत ही घाटी की हैबतपुर निगलिया ने जो पहले अपना पीछे रही थी इस बार आगे बढ़त बना ली है और लास्ट में अंत तक देखा जाएगा कि कौन इसमें विजयी होता है। एक नंबर से ही हार जीत होती है और ये खड़ा मुकाबला कांटे का मुकाबला, इन्होंने एक नंबर लिया हैबतपुर निगलिया ने, नंबर जुटाया बहुत ही मेहनत करते हुए, वो अपनी हार नहीं मान रहे हैं, निराशा नहीं हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा इनका उत्साह देखने लगा है। कूड़ा बन के खेलेंगे तो हार जाएंगे, पहले में थोड़ा सा चोट लगी हैबतपुर निगलिया का, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो उड़ गया हवाई कोल, ये तो एयर जंप, ऐसे एयर जंप बहुत ही अच्छा, कभी कभी मिलते हैं, बहुत ही इनकी तारीफ करेंगे ऐसे खिलाड़ियों के लिए, बहुत ही अच्छा।